कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूड और मीन बिहेव करते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं आपका पूछना स्वाभाविक है। कोई भी कंडीशन सिचुएशन में अगर हमको एक गंदा सा जवाब और रेस्पॉन्स मिलता है किसी से, वो सच में बहुत इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली जब उनका रेस्पॉन्स सही नहीं हो या फिर अनुचित हो। पर यह कोई नई बात नहीं है, ये ज़रूरी तो नहीं है सभी इंसान अच्छे हों, उनके थॉट्स अच्छे हों, सबकी रेस्पेक्ट करें। हमेशा कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो मतलबी, रूड या फिर डिसरेस्पेक्टफुल हो। पर क्यों कुछ लोग इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि लोगों का इस तरह से बिहेव करने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। मॉडर्न लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ गया है कि कुछ ऐसी कंडीशन और सिचुएशन बन ही जाती है जो इंसान को रूड और मीन बनाने को बढ़ावा देती हैं। कुछ लोगों को डीपली ऑब्जर्व करके पता चला है कि वो लोग ज़्यादा रूड होते हैं जो अंदर से अपने आप को इनसिक्योर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, या फिर जिनको दूसरे इंसान के बिहेवियर को समझने में प्रॉब्लम होती है। लोग दूसरों को कैसे ट्रीट करेंगे वो डायरेक्टली इमेज रिफ्लेक्शन जैसा होता है जो वो खुद के लिए फील करते हैं। अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली अपने बारे में नेगेटिव और बुरा सोचता है तो वही एटीट्यूड उसका दूसरों के लिए भी बन जाता है। लो सेल्फ एस्टीम पर्सनैलिटी वाले लोग अपने आप को महान दिखाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए रूड और मीन तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपनी रिलेशनशिप, अपने काम या फिर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रेस ना हो। हम बहुत ट्राई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को पीसफुली डील करने की, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हमारी जुबान पर आ ही जाता है और उस टाइम हम भूल जाते हैं कि रूड और मीन क्या होता है। ऐसी सिचुएशन आना सबकी लाइफ में स्वाभाविक है, पर कई बार इस तरह का बिहेव हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। बहुत बार हम ही उस रिलेशन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग इमोशंस को लेकर इतने मैच्योर नहीं होते, या यूँ कहो इमोशनली ना समझ होते हैं। उन्हें नहीं आइडिया होता कुछ कि उनका जो एक्शन है वो किसी को हर्ट करेगा कि नहीं, ऐसा करना दूसरों को तकलीफ दे सकता है। उन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता अपने बिहेवियर को लेकर। उन्हें जो लगता है उस सिचुएशन में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उनकी वजह से नहीं हुआ। इस तरह के लोगों को रोकने के लिए कोई मेंटल चेकअप भी नहीं है। बहुत तेज़ी से बढ़ती डाटा एंड टेक्नोलॉजी से इंसान की ज़िंदगी की रफ्तार को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। आज सभी अपनी सोशल मीडिया नेटवर्क में इतने बिजी हैं कि उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है उनके आसपास क्या और क्यों हो रहा है। बस उन्हें ऑनलाइन ही सब कुछ करना अच्छा लगता है। सोशल नेटवर्किंग में होने वाले इशू को लेकर या फिर किसी भी वजह से वह हमेशा ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं और फटाफट से अपना रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ ब्रेन स्ट्रेन का कारण बनता जा रही है, जो कि आगे चलकर एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ावा देती हैं, जिससे लोग एग्रेसिव और रूड बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हर किसी की फैमिली का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। अगर फैमिली में कुछ गलत देखेगा या सुनेगा तो आगे जाकर वह भी ऐसा ही करता है। इनफैक्ट यूं कहें कि उस बुरा इफेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों का बचपन सही नहीं होता, उन्होंने बचपन में कुछ ऐसा देखा या सहा होता है जो अंदर से काफ़ी हद तक हट करता है।
इस तरह का माहौल उसके दिमाग पर इस कदर असर करता है कि इंसान की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कारण बन जाता है। उनका कल उनके आज के ऊपर भारी पड़ जाता है।